तो सब तो पहला इंपॉर्टेंट है कि इस फिल्म तक मेन लीड जिहड़ा कि कुलजिंदर होना ने प्ले किया वो तो शुरू तो ही फाइनल सी कि जिहड़ा करैक्टर हैगा कुलजिंदर प्ले करेगा बट उस करैक्टर की एक डिमांड सी बहुत स्ट्रोंग सो ये बनती बनती स्टोरी जो बनी तो जो फिर यदा टाइटल यदा निकल के आया मेरे ही आइडिया मैनू आया कि इस फिल्म का टाइटल जोड़ा है योदा हो सकता है तो मैं दो दिन अपने मन च ही यह गल रखी मनदीप नाल जोड़े ड्र साडे मेरे को राइटर से गिल साहब ने शेयर नहीं किया आइडिया क्योंकि मैनू लग रहा है कि योदा यार टाइटल तो रख लाँगे मैं तो योदा है नहीं गा आई डोंट लुक लाइक अ योदा किसी नहीं सी पता कि साड़ी फिल्म का टाइटल की है सिर्फ सानू तिन्नां पता सी मनदीप नू कुलजिंदर नू और मैनू तो सारे बड़े असी खुश हो गए भी चलो भी फोन करो बॉम्बे रजिस्टर कराओ योदा दूजे तीजे दिन कुलजिंदर मेरे को आया मैनू कहिंदा भाजी यार तुसी योदा तो रखता टाइटल तुसी मेरा काम बहुत औखा करता क्योंकि हुण मैनू योदा नज़र आना पऊगा गिल साहब तो मैं ही सी अगले दिन असी फिर बैठे मैं गिल साहब नू कहा मैं चलो गिल साहब फिर देखते हैं बॉडी की की शेप है मैं शर्ट उतारी मैं फोटो लो जी देखते हैं फिर हुण एक होर दोस्त बैठे थे साडे उत्ते कोड़ी सतनाम हू इज़ अ हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड बॉडी बिल्डर सो उन्होंने बॉडी देख के कहा भी यार बहुत औखा है कम है तो काफ़ी मेहनत करनी पैनी है सो मैं कहा कोई नहीं हुण डिसीजन इज़ टेकन विल डू इट सो उहदे लई फिर मेरे एक दोस्त ने सुरेंद्र सो ही आस्ड मी कि आप प्रिंस भाजी है इतने उन्होंने को चलते हैं उन्होंने को गए उन्होंने कुछ दिन ट्रेनिंग की तो बहुत वधिया साडा मोमेंटम बन गया 15-20 दिन के ही लगन लग गया कि यस वी कैन रीच अप टू दैट लैवल क्योंकि बहुत असी रेगुलस ट्रेनिंग शुरू करती से एकदम ही तो अचानक फिर एक दिन मेरा जो शोल्डर से लैफ्ट साइड वाला ये शुरू तो ही वीक सी जेनेटिकली तो वो इंजरी होगी उत्थे एक्सरसाइज कर दें सो मैं एकदम मैनू लगा कि तो सुपना टुट गया सो आई वेंट टू अ फिजियोथेरेपिस्ट तो उन्होंने को मैं गया उन्होंने अपना दसिया कि हाँ ये 15-20 दिन तक घट्टो घट की केयर करनी पेगी इन बिटवीन गोल्ड जिम के जेडे MD ने मिस्टर बल उन्होंने गल हुई कि इस तरह का मैं एक गोल्ड रखा है तो गोल्ड जिम वालों की तुहाडे वल्लों सपोर्ट हो सकती है कि उन्होंने बहुत अच्छा सैटअप है गोल्ड जिम का अपना जानते हैं वर्ल्ड फेमस चेन है फिर असी गोल्ड जिम के वर्किंग शुरू करती तो उत्थे मैं बड़ा मैं फॉर्चुनेट है कि मैं विक्की जिहड़ा सी उत्थे ट्रेनर मिलिया विक्की हरविंदर सो उन्हें फिर मेरी 7 महीने ट्रेनिंग करवा के जिहड़ा ये गोल सीगा अचीव करन दे विच बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूट किया भाई जदों सिद्धू भाई अपने को आया तो उन्होंने दसिया कि आप विक्की एक यो वॉरियर का लाइक रोल अदा कर रहे हैं एक योद्धे का तो मैं भी सबसे पूछा कि साडा आइडल क्या है मतलब तुम कि बॉडी चाहते हो तो की अचीव करना जिदा बॉलीवुड में आप देख रहे हैं कि हर एक बंदा बॉडी बना के आ रहा तो उस टाइम सर ने मैं दसा कि विक्की जो भाग मिल्खा भाग वाला फरहान अख्तर आ कि मेरा ड्रीम ही यही है कि मैं इदा की बॉडी बना के पंजाबी इंडस्ट्री में अपने आपू हूँ अगे लेके आना जो मैं वर्कआउट शुरू किया उस टाइम मेरी सोच सी कि डेफिनेटली एक वधिया गुड फिजीक होनी चाहिए आ मैं फरहान अख्तर की फोटो रखी सी अपने मोबाइल दे विच कि यार जो इन्हें बंदे ने फिजीक बनाई है भाग मिल्खा भाग ली जे मैं ये अद्धी भी बना ली तो आई विल बी ओके पर मैं अपने ट्रेनर नूं कहा कि नहीं इस तो एक स्टैप उपर जाना कहिंदा फिर उपर ही लैके जावांगे सो मेरे नाल बहुत धक्का किया उन्हें सो डेफिनेटली जो जिन्ना धक्का किया रिजल्ट भी हुण तुहाडे सामने आ क्योंकि नॉर्मली लोग की होंगे जिम दे विच आ जांदे बट वो लोग अपनी बॉडी नूं पेन देके राजी नहीं होंगे मैं पहले भी गल कर रहा सी जिद्दां साडी शोल्डर इंजरी हुई काफ़ी पेन हुई जबकि उत्ते गिव अप कर सकते सी बट सिद्धू सर दे विच एक पैशन थी डेडिकेशन थी अपने आप नूं लेके इंप्रूव करना एक जज्बा था कि करना है We'll be right back.
चार घंटे का मेरा सवेरे वर्कआउट हुंदा सी जिम दे विच ते डेढ़ घंटे का शाम नू मेरा गतका टीम सीगी साडी शहीद बाबा दीप सिंह गतका अकैडमी जिहदे कमलदीप ते छोटा करणवीर हुंदे सीगे उहनां दे नाल असीं गतका दी प्रैक्टिस करीदी सी। सो इट वॉज़ वैरी हैक्टिक्स मॉर्निंग तो लैके शाम तक यानी छे घंटे का तो वर्कआउट ही हुंदा सीगा। सो विच बाकी टाइम डाइट खाई दी सी जां सौ जाईदा सी। एक बॉडी वाले बंदे आ तुसीं देखिआ होणा मोस्टली उहनूं जी बॉडी फ्लैक्सीबिलिटी नहीं हुंदी बहुत स्टिफ बॉडी हार्ड हुंदी आ बट सर ने की कहे कि बिकी मैं इस तो कुछ अलग करना है तो उन्होंने क्योंकि प्रैक्टर भी जोधे का सी तो उन्होंने स्पैशल गतका सीखा। तुम फिल्म के भी देखोगे कि वो एक बंदा सामने दस दस बंदे गतका खेल रहा है अगर वो चीज़ उन्होंने ना की होंगी तो शायद वो बहुत आप कहने कि माइनर का काम किया बट उन्होंने गतके अपनी फ्लैक्सीबिलिटी का काम किया। तो स्पैशली मैं एक चीज़ बोलूँगा इस गोल के पिछले कितने ना कितने निधि मैम का भी बहुत बड़ा रोल आ क्योंकि डाइट न फॉलो करना बहुत जरूरी होंगे बट हम सिद्धू सर जिम से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैं देखा कई बार कि साढ़े तीन तीन चार डब्बे साढ़े नाले होंगे थे तो वो पिछले निधि मैं उन्होंने कहूँगा कि उन्होंने बहुत वधिया काम किया। सो एक जर्नी सी मतलब इट वॉज़ नॉट कि मैं एक ढिड लैके अंदर गया तो वर्कआउट किया बाहर आया तो सिक्स पैक मतलब एक जर्नी सी स्लाइटली हल्की हल्की चेंज होंगी गई। मैं हार्ट्स ऑफ उस बंदे कि जिन्होंने इन्नी ज़्यादा मेहनत की उस करैक्टर निभाने लिए। आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि पंजाब इंडस्ट्री में कोई उनको एक सिक्स पैक वाला हीरो उनको नज़र आएगा क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट किया है इसमें अपनी फिजिक के ऊपर अपने फिजिकल एस्पेक्ट को लेके स्पेशली जब वो योद्धा के रूप में इस फिल्म में प्रदर्शित होते हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि फिर वो कहानी निकल जाती है तो आई थिंक वो ऑडियंसेस शुड वेट एंड वॉच के क्या किया उन्होंने। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋਵੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਰੱਤ ਹੋਵੇ ਪੱਤ ਜਦੋਂ ਬੇਪੱਤ ਹੋਵੇ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈ ਯੋਧਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੀਨਾ ਢਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਯੋਧਾ ਯੋਧਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਲਓ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂੰਝ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।